कुछ ना कुछ खुदा बख्श लाइब्रेरी को लेकर के कितना हंगामा इसको लेकर के कर रहे थे। हम तो कुछ बोलते नहीं है भाई, खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में जो पहली बार हम तो देखे समाचार पत्र पे और तुरंत हमने विभाग को कहा कि अरे भाई खुदा बख्श लाइब्रेरी के साथ किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और इन लोगों ने स्वीकार करके उसको कर दिया, लेकिन हम नहीं कभी कुछ बोलने गए। आज हम आपको बोल रहे हैं, जितने बोलने वाले खुदा बख्श लाइब्रेरी वाले हैं। डबल डेकर पुल का निर्माण का उद्घाटन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और उस दौरान उन्होंने पहले क्या जिक्र किया और पहले क्या कुछ था पटना में, उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र किया है। साथ ही साथ उन्होंने खुदा बख्श लाइब्रेरी को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए उनके पूरे बयान को। उसके ऊपर आरओ भी था, रोड ओवर ब्रिज था, कितना कम था। अब हम लोगों ने तो 15 बनवा दिया, 5 अभी और बन रहा, तो कितनी सुविधा हुई है लोगों को आने जाने। और उसी तरह से इस राज्य में भी आप देख रहे हैं ना, अब आते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा, कितना फ्लाईओवर बनवा दिया, कौन सा पथ है जिस एरिया में। पहले कोई कंकड़ बाग जाता था तो एक बार गया और उसका कोई तुरंत लौट पाता था। कंकड़ बाग से कोई अगर इधर आता था पटना के रास्ते में तो एक बार आया तो बेचारे को एक बार ही शाम तक लौटने में चाहे जितनी दिक्कत हो लौटता था, क्या दिक्कत। और अब जरा देखिए क्या हाल हो गए, वहीं से शुरुआत करा दिया हमने। और उसी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से सड़कों का, कितने जगह पर फ्लाई ओवर का निर्माण हुआ। तो अब जाकर के जरा आने जाने में, अब जब कोई दानापुर जाना चाहता तो उसको कितनी सहूलियत हो गई, अब पहले कितना दिक्कत होता था। तो चारों तरफ से हम लोगों ने इस प्रकार से इंतजाम कर दिया है और जिसका जिक्र हमारे माननीय मंत्री ने भी किया है, उप मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की और हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी संक्षेप में कहा। तो इन सब चीज़ों पर आपको कितना देर समय, आप सबको जानते ही हैं, सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि एक आध बार तो 2005 तक क्या हालत था और 2005 से अब तक पटना शहर का क्या हालत है, कृपा करके एक बार लोगों को बता दीजिए, यही सबसे अच्छी चीज है। हम बोलते रहेंगे तो उसका कोई महत्व है, कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप ही अनुसंधान करके जो कुछ भी किया गया अगर इसके बारे में आप कह दीजिएगा तभी ना होगा। अब तो आप आजकल सोशल मीडिया आ गए, अब सोशल मीडिया में जो मन में आता है करते हैं, तो जरा सोशल मीडिया में पहले वाला हाल भी बता दीजिए और उसके बाद क्या हाल हुआ उसको बता दिए। हम तो बड़ा संक्षेप में बता रहे हैं कि जो कुछ भी था, पटना यूनिवर्सिटी के जाने का रास्ता किस तरह से लोगों को कितनी कठिनाई होती थी और अब कितना हम लोगों ने कर दिया, इसलिए सब कुछ ठीक। और एक बीच में कुछ ना कुछ खुदा बख्श लाइब्रेरी को लेकर के कितना हंगामा इसको लेकर के कर रहे थे। हम तो कुछ बोलते नहीं है भाई, खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में जो पहली बार हम तो देखे समाचार पत्र पे और तुरंत हमने विभाग को कहा कि अरे भाई खुदा बख्श लाइब्रेरी के साथ किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और इन लोगों ने स्वीकार करके उसको कर दिया, लेकिन हम नहीं कभी कुछ बोलने गए। आज हम आपको बोल रहे हैं, आइए जरा जितने बोलने वाले खुदा बख्श लाइब्रेरी वाले हैं जरा याद, आप सब सुनो, जो जानते ही है नेहरू मार्ग, अब उसका हाल देखते थे ना पहले क्या रहता था। जब उसी में हम लोगों ने शुरू करा दिया तो उसके बाद उस समय कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो हम गए उसका शिलान्यास करने, तो वहीं पर हमने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों इसके विरोध में आप हैं। आप जानते हैं ऊपर से अगर फ्लाईओवर बनेगा तो वहीं पर दुकान चला जाएगा, अरे दुकान तो नीचे रहेगा, जो आप लोगों का रिश्ता इससे है आप लोगों को और सुविधा होगी, यहां से वहां मान एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाला है उसके लिए वो सुविधा हो जाएगी तो नीचे आपका और अच्छा लगेगा। तो आप जरा जाकर के देख लीजिए कि नीचे का क्या दृश्य रहता, कितने लोग आवागमन वालों को जो सुविधा हुई। तो इसी तरह से आप सब जगह देख लीजिए, इसलिए हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि पटना का पुराना हाल और आजकल, आजकल तो जो हम बता रहे हैं बार बार सोशल मीडिया में जो मन में आता है कुछ लिख देता है, चलते रहता है। अरे भाई जिसको मन में करेगा वो तो लिखवे करेगा, लेकिन आप सब लोगों से विनम्र आग्रह है कि कम से कम पहले वाला और आज वाला इसको अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो सबको मालूम तो होना जाएगा। जब कोई काम कर दिया जाता है तो कितना दिन तक लोगों को याद रहता है,
आप बताइए भारत सरकार की कृपा से जो 4 लेन बना, अभी पटना से बख्तियारपुर तक जाने में कितनी सुविधा हो गई। लेकिन 15 से शुरू हुआ, अब उसका अभी कितना कोई याद रहता कि फ्लाई ओवर ये कैसे बना, केंद्र सरकार ने उसको बनाया है, उसके आगे और बन रहा है। तो एक एक चीज काम हो रहा, राज्य सरकार कर रही है और केंद्र सरकार कर रही है, सबके सहयोग से जितना काम हो रहा है। जो हमारे माननीय मंत्री ने आपको बता दिया कि हम लोगों का लक्ष्य क्या है, बिहार के दूर दराज इलाके से चलकर राजधानी पटना आने में 5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, इसी को ध्यान में रख करके एक एक काम पूरे देश में हम लोग सड़क के लिए और पुल के लिए काम कर रहे हैं। और सिर्फ निर्माण का नहीं, उसके रख रखाव का, उसका मेंटेनेंस का काम, ये काम सब काम विभाग, अब चाहे जितना भी हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, ये सब का देखभाल, और जितने भी सरकारी भवन है सरकार के द्वारा बनाया जाता है, ये सब का मेंटेनेंस। तो आप समझ लीजिए कि पीएमसीएच में लोग जो आएंगे तो उनको इस तरह से अगर यही सड़क रह जाए तो आने जाने में कितनी दिक्कत होती। और इसके आगे जो पटना सिटी जाने के लिए जो दिक्कत थी, तो हम लोगों ने जो शुरू किया जेपी गंगा पथ का निर्माण कई साल पहले से शुरू कर दिया, अब उसका और